नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर मेघनाथ वर्मा, श्री स्वामी रामानंद प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र गुना मध्य प्रदेश से। आज मैं हमारे चिकित्सा केंद्र में उपलब्ध मॉडर्न इक्विपमेंट कोलोन हाइड्रोथेरेपी मशीन के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। तो आज हम बात करेंगे कि कोलोन हाइड्रोथेरेपी क्या है, कोलोन हाइड्रोथेरेपी किस तरीके से काम करती है, किन किन लोगों को कोलोन हाइड्रोथेरेपी लेना चाहिए, कोलोन हाइड्रोथेरेपी के क्या क्या फायदे हैं और कोलोन चिकित्सा लेने के बाद हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, इन पांच पॉइंट्स पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि कोलोन हाइड्रोथेरेपी है क्या। अगर हम आम भाषा में बात करें तो कोलोन हाइड्रोथेरेपी ऐसी मशीन है जो हमारे बड़े आंत की सफाई करती है। ये कैसे सफाई करती है, कोलोन हाइड्रोथेरेपी काम कैसे करती है, एक्चुअली ये जो मशीन आपको दिख रहा है इसमें सारे सिस्टम ऑटोमेटिक सेट रहते हैं, जैसे कि इसमें फिल्टर, गीजर, पानी गर्म करने के लिए और वाटर का कनेक्शन, वाटर सप्लाई, सब कुछ अवेलेबल रहता है। बस इसमें करना ये होता है कि पेशेंट को हम इसमें लेटाते हैं, फिर एक डिस्पोजेबल पाइप होता है जो केवल एक बार यूज होता है, उसके थ्रू हम जो फिल्टर्ड वाटर है जो गर्म होके इस बॉडी पे आता है वो हम पाइप के थ्रू हर पेशेंट के गुदा द्वार से होते हुए इंटेस्टाइन में पहुंचाते हैं। इस तरीके से जब पानी इंटेस्टाइन में पहुंचता है और जब पर्सन का पेट स्टमक फुल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली डिफिकेशन प्रोसेस होता है, यानी कि स्टूल पास होता है बाहर। जब स्टूल पास होता है तो पानी के साथ जो पुराने स्टूल है वो मिक्स होके बाहर निकल आते हैं। इस तरीके से कोलोन हाइड्रोथेरेपी काम करता है। इस प्रक्रिया को हम मॉनिटर के थ्रू देख भी सकते हैं कि हमारा स्टूल की गंदगी कितनी है। अब सवाल होता है कि कोलोन हाइड्रोथेरेपी किन किन लोगों को लेना चाहिए। देखिए, आज के जमाने में पेट साफ नहीं होना ये बहुत ही आम बात है, तो मैं तो कहूंगा कि कोलोन हाइड्रोथेरेपी हर किसी को लेना ही चाहिए, कम से कम एक बार 2 से 3 महीने में जरूर लेना चाहिए। पर अगर मुख्य रूप से किन किन लोगों को लेना चाहिए, तो जिनकी पुराने कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं, यानी कि जिनका पेट साफ नहीं होता लंबे समय से, 4 महीने से 6 महीने से, जिनको पाइल्स की समस्या है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को कोलोन हाइड्रोथेरेपी मुख्य रूप से लेना चाहिए। गैस की समस्या, अपचन, इनडाइजेशन, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल कोलोन हाइड्रोथेरेपी लेना चाहिए। कोलोन हाइड्रोथेरेपी के क्या क्या फायदे हैं, कोलोन हाइड्रोथेरेपी की सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन की वो कंप्लीट सफाई करता है। तो इससे क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन की अगर सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, तो जैसे आप सबको पता है कि जब हमारा स्टूल पूरे अच्छे तरीके से पास आउट नहीं होता तो गैस की समस्या बनने लग जाती है। गैस बढ़ने से एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी होने से भूख कम लगती है। तो इस तरह से सीक्वेंसेस होते हैं जो कि बहुत सारे बीमारियों को जन्म देते हैं। तो कोलोन हाइड्रोथेरेपी का सबसे ज्यादा फायदा होता है कब्ज में, पाइल्स में, इनडाइजेशन में, अल्सर में, एसिडिटी में। हाइड्रोथेरेपी लेने के प्रोसेस ऐसे है कि जिन व्यक्ति को कोलोन हाइड्रोथेरेपी लेना है उसे हमेशा कोलोन हाइड्रोथेरेपी लेने के 2 दिन पहले लाइट फूड लेना चाहिए, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, फ्रूट जूस, फ्रूट्स। और कोलोन हाइड्रोथेरेपी लेने के बाद हमेशा स्पाइसी खाना अवॉइड करना चाहिए, तेल, चिकनाहट अवॉइड करना चाहिए, मार्केट या बाहर में आप जाके जंक फूड खाते हैं वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए जब आप कोलोन हाइड्रोथेरेपी लेते हैं। तो मैं डॉक्टर मेघनाथ वर्मा आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके अपने क्षेत्र में इस तरह का ये इक्विपमेंट जो कि ऑल इंडिया लेवल पे बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन में पाया जाता है। दूसरा, ये कोलोन हाइड्रोथेरेपी टाइम सेविंग ट्रीटमेंट है। कोलोन हाइड्रोथेरेपी चिकित्सा आपको लेने के लिए 7 दिन 10 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है, ये केवल 1 घंटा का प्रोसेस है। इसमें ना तो कोई दर्द होता है, ना कोई चीर फाड़ होता है, ना ही आपको कोई दवाई दी जाती है। ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है जिसमें आप 1 घंटे मात्र अगर आप कोलोन हाइड्रोथेरेपी लेते हैं तो इससे आपका पूरे इंटेस्टाइन का जो पुराना मल है वो पूरा साफ हो जाता है और उस
पुराने मल की वजह से जो गैस की समस्या है, जो एसिडिटी की समस्या है, इनडाइजेशन की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, वो बहुत ही आसानी से दूर किया जा सकता है। आपको हमारे कोलन हाइड्रोथेरेपी चिकित्सा से संबंध में अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में हमारे सेंटर का नंबर आपको विजिबल हो रहा है उसमें आप कॉल कर सकते हैं और हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और एक बार कोलोन हाइड्रोथेरेपी जरूर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।